ही हम थोड़ा सा भुने हैं, भून के और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा भून रहे हैं। आप भी आप तो बने रहना, देखना हम क्या करने वाले हैं। दरदरा रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। आगे आप लोग बने रहना, देखना कि क्या बनने वाला है और आप लोग भी ट्राई करना। देखिए हम इसको ऐसे ऐसे कर लिए हैं, अब इसको थोड़ा पानी में भिगाएंगे। आप लोग बने रहना क्या बन रहा है। हमारे हस्बैंड जी को बहुत मन हो गया, गांव का है खाना, उनको बहुत पसंद है तो करना पड़ा भाई। देख लो, आप लोग भी कभी ट्राई करना जरूर। इसको बोलते हैं चूनी की लिट्टी गांव में। देखिए ज़्यादा दरदरा नहीं करना है हमें, बस ऐसे ही करना है। बहुत मेहनत लगा है भाई इसे हमें करने में। तो देखिए हम इसको अभी निकाल के इसमें भिगा दे रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट के लिए भिगाएंगे इसको अच्छे से। अब इसको हम भिगा दिए हैं, 5 मिनट ऐसे भिगेगा, उसके बाद हम लहसुन छील लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। स्टॉप। देखिए यहाँ पर लहसुन छील रहे हैं दोनों, पापा और बेटे। मैं भी चलूँ थोड़ा, मैंने उसको भिगा दिया है, अभी लहसुन छील। इसमें लहसुन ज़्यादा चाहिए और लाल मिर्च चाहिए हमें। ओके, आप लोग खाए होंगे, देखिए अभी सब लपटे हुए हैं। वाह वाह, काम कर रहे हैं भाई वीडियो मारने के लिए। देखो काम हो रहा है इसी। चलो ठीक है, मैं वीडियो बनाया करूँगी, सब काम करा इसी बहाने सब आएंगे, मेरा काम होगा। चलिए ठीक है। देखिए मैंने सब स्टार्ट कर लिया है, मेरे सब तैयारी कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए लहसुन है और मेरी मिर्ची ले लिया है मैंने, ये लहसुन और मिर्ची है। और ये मैंने जो भिगाया था दाल वो है, देखिए दाल खुशी मेरा रेडी हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए इतना लहसुन नहीं पड़ेगा उसमें, लहसुन थोड़ा कम होगा। मैं थोड़ा खिचड़ी में डालूंगी, खिचड़ी भी बना रही हूँ। और ये मैंने कट कर लिया है ऑनियन, ये मैं अदरक का टुकड़ा लूँगी खिचड़ी के लिए। तो खिचड़ी बनेगी और चूनी की लिट्टी बनेगी देसी स्टाइल में। आज हमारा डिनर होगा नाइट में सैटरडे का। खिचड़ी बना लूँ क्या उसके लिए, अभी सब एक्साइड कर लेती हूँ। देखिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ, जीरा प्याज सब मैंने डाल दिया है। मैं बोली पहले खिचड़ी बना लेती हूँ फिर मैं लास्ट में इसको बनाऊँगी, ताकि बहुत रहता है ना। अगर हमारा डिनर में यही रहेगा, आप बताना आप क्या बना रहे हो डिनर में भाई। और प्लीज़ मेरे वीडियो को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्लीज़ फुल वाच करें, मेरी भी हेल्प कर दीजिए। बस फूल के लिए डब्लू की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। तो प्लीज़ देखिए मैंने दाल और ये चावल मैंने धो लिए हैं, धो के रख दिए हैं। अब ये सभी मैं इसमें टमाटर कट करना है मुझे, टमाटो कट करूँगी। ये सब मसाले मेरे खाली हो गए हैं डब्बे में सब। मैं सोच रही हूँ जीरा ये सब एक साइड निकाल कर सब डब्बा ही धो दूँ, तब मसाले में दूसरे भर दूँ। यहाँ पर मैंने मिर्ची रख दिया है, अभी वही करूँगी सब साफ। कल संडे है तो मैं वही करूँगी, कल का मेरा वही काम रहेगा सर, क्या करें। I'm not afraid of the dark.
अच्छे से फूल चुकी है मेरी, अच्छे से हो चुका है दाल मेरा। और ये देखिए मैंने जो लिया था लहसुन मिर्ची में डाल दूंगी। और मैं देखिए वो रखी थी भिगा के मैंने हींग, हींग मैंने भिगा दिया था थोड़ा सा ताकि हींग डाल दे तो उससे ताकि प्रॉब्लम ना हो भाई, पेट टूट ना दुखे किसी का, क्योंकि तुअर की दाल है थोड़ा इससे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने इसको भिगा दिया था पहले ही, इसको भी हम अच्छे से इसमें डाल देंगे। और नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, हमें जितना नमक चाहिए हम नमक ले लेंगे अपने स्वाद के अनुसार। मिर्ची भी अपने ही स्वाद के अनुसार रखना है। ओके, अब हम इसको अच्छे से पूरा मिक्स करके इसका हम डो तैयार कर लेंगे। चलिए मैं इसका डो तैयार करके आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है, बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। इसको मैं 5 मिनट रख दूँगी, आप देख सकते हैं पूरा कैसे सब लहसुन सब है ना ऊपर, बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग भी ट्राई करना। मैं तैयार करके 5 मिनट के लिए इसको रख दूँगी। ओके, चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको थोड़ा मोटा ही ज़्यादा ही लेंगे इसको हम, आटे को ऐसे घूल घूल करके हम इसको बनाएंगे। ऐसे लिट्टी बना रहे हैं तो थोड़ा मोटा ही रहेगा। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना इसे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ऐसे बेल लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे ना ज़्यादा मोटा करेंगे, मीडियम में ही करेंगे। ओके, देखिए इसे मैंने गैस जला दिया था, अब मैं इसको अच्छे से सेक लेती हूँ। अब मैं दूसरा भी ऐसे तैयार करूँगी, दूसरा भी मैं ऐसे तैयार करूँगी। ओके, मैंने इसको एक साइड से मैंने पलट दिया है और ऐसे मैंने दूसरा भी इसको तैयार कर लिया है। ऐसे ही मैं सबको बनाऊंगी, आप लोग देखना, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तेल वगैरह कुछ नहीं लगाना है। इसको हम सेकेंगे अच्छे से, ज़्यादा फास्ट नहीं, स्लो आँच में ही सेकेंगे इसको, मीडियम आँच में। बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी ट्राई करना। देखिए मेरा एक बन गया है, उनके पापा खा भी रहे हैं। और देखिए लाइट चली गई है हमारे यहाँ, बट क्या करें, देखिए मैंने ये लाइट रखा है उससे मेरा काम हो रहा है। देखते हैं लाइट आती है या नहीं, फिर आगे का वीडियो शूट करूँगी। आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। चलिए अभी हमें अंधेरे में ही खाना खाना पड़ेगा। अभी हम अंधेरे में ही खाएंगे, बेटे को भी भूख लग गई है तो मैं उसको निकाल देती हूँ। और आइए आप लोग भी खा लीजिए, गर्मा गर्म खिचड़ी बना है। और देखिए खिचड़ी के साथ मैंने टमाटो काट दिया, उसको बहुत पसंद है, वो खाएगा। और ये लिट्टी है, तो लिट्टी भी मेरी अच्छे से ये वाली हो चुकी है। ये रखूँगी, आधा ही लेगा वो, थोड़ा सा ही लेगा, इतना नहीं लेगा, आधा उनके पापा ले लेंगे। तो आइए देखिए, आप भी गर्मा गर्म खाइए, अच्छा लग रहा है ना। बाकी का मैं बना लूँगी, और लाइट का भरोसा नहीं है। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।